पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मोतिहारी सदर अस्पताल का जो अल्ट्रासाउंड है वो बंद पड़ा है। लगभग बिहार नवयुक्त सेना के द्वारा सिविल सर्जन महोदय से लेकर के जिलाधिकारी तक कई आवेदन दिए गए, उसके बावजूद उसके यह व्यवस्था नहीं सुधरा। उसके बाद यहाँ पे लाखों की मशीन बिहार सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ इस हमेशा ही जो पीछे आप अल्ट्रासाउंड तक देख रहे हैं इसमें ताला लगा रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो गरीबों का इलाज कराने के लिए धनिक लोग तो नहीं आएगा सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने, सदर अस्पताल में जाएगा से गरीब लोग आएगा। तो गरीब के लिए जब ये अल्ट्रासाउंड खुला है तो फिर गरीबों का अल्ट्रासाउंड काहे नहीं होता है? उस दिन जब बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का जब सचिव है और जिला का जो सचिव है इनके इंक्वायरी करने, तो उसके उस दिन वहाँ एक घंटा लग खोल दिया गया, ओछा ओछा मार दिया गया, सब ओके कर दिया गया और 5-6 आदमी का एंट्री करके अल्ट्रासाउंड करके साहब को दिखा दिया गया और फिर सचिव चले गए और जस का तस पीछे देख रहे हैं कि आपको ताला लगा है। वो दिन से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। मान लेते हैं कि जब गरीबों के लिए जो लाखों का मशीन लगा है ये काहेला लगा है, इलाजे कराने के लिए लगा है भाई? आज हम नौजवानों को यहाँ बैठ के आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग नेता को मंत्री को काहे वोट देते हैं, ये सब काम करने के लिए वोट देते हैं? तो यहाँ का जो लोग है, नेता है, मंत्री है, जितना भी पार्टी का लोग है वोट ले लेता है, वोट के बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर वोटे के वोट याद करता है, कोई गरीब को नहीं, गरीब को कोई नहीं पूछता है। तो आज अगर हम वोट दिए तो किसी नेता को आकर पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? अल्ट्रासाउंड बंद है, लेकिन कोई नेता मंत्री विधायक कौन नहीं पूछ रहा है? आज हम नवयुवक सेना के टोटल नौजवान हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं सभी लोग, इसका ताला खोलेंगे सिविल सर्जन महोदय आके या प्रबंधक महोदय, तबे यहाँ से नौजवक सेना हम लोग हटेंगे। आज अगर ताला नहीं खुलेगा तो यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, तो नहीं हटेंगे, इतना पक्का कह दे रहे हैं। ताला आज खुलना चाहिए और नहीं तो इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग का धरना चलता रहेगा। नवयुवक सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, नवयुवक सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, सदर अस्पताल व्यवस्था हाय हाय, हाय हाय, अस्पताल प्रबंधन हाय हाय, हाय हाय, अस्पताल व्यवस्था हाय हाय, हाय हाय, अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। व्यवस्था इतना घटिया हो गया है, व्यवस्था बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का इतना घटिया हो गया है कि पिछले कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा बिहार में हमारे गरीब भाइयों का, किसानों का, मजदूरों का 380 को बच्चा चमकी बुखार से मर गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्था को तय को इसका चिंता नहीं था। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जिसको बिहार में 40 को में 80 को लोकसभा का सीट दिया, यहाँ बिहार का जनता ने मुख्य बिहार के जो प्रदेश के सारे जनता ने विश्वास जताया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्या कर्तव्य बनता था? खाली वोटवे भर, खाली वोटवे भर अमरी सन्नाता। वोट के बाद जब चमकी बुखार से बिहार में 380 को बच्चा मरा तो नरेंद्र मोदी वो अफसोस जाहिर किए नहीं किए? टीवी पर आके कहे कि बिहार में इतना लड़का सब मरल तो हमारा अफसोस बा, हम पर कार्रवाई करो, हम दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, बोले नरेंद्र मोदी जी? नहीं बोले। अरे ठीक भाई, वो ट्वीट कर देती कि बिहार में बच्चे जो मर रहे उसके लिए मैं अफसोस में, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, तकलीफ है, वो ट्वीट कर देती, विदेश घूमना ना ठीक है, घूमिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, घूमे ठीक है, लेकिन जो आपको इतना बड़का बहुमत दिया है वो जनता का तो चिंता करना चाहिए ना, ना जनता का चिंता करवे नहीं करिएगा, खाली जनता से मतलब रखिएगा वोट से। अच्छा अच्छा, ये जनता है जो आसमान पर बैठाता है, माथा पर बैठाता है, काम नहीं करिएगा तो ये जनता मुहियों में पटकने का काम करेगा आने वाला समय में मोदी चाचा के। अब मोदी चाचा के अभी जनता का पावर बुझाई नहीं थे, इनका कुछ सीट ज्यादा मिल रहा था बुझाने के जेबानी से हम आई तो ये नहीं ना चली। जनता के साथ अगर मजाक होगा, जनता के व्यवस्था के साथ अगर मजाक होगा तो जब जनता चाचा मजाक करे लगी तो बड़ा मांग पर जाई, कुर्सी छोड़े के पड़ी। इसलिए जनता का विश्वास आपको मिला है तो जनता के विश्वास को कायम रखिए और स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य का लचर व्यवस्था है उस पर कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लीजिए, भ्रष्ट प्राधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। ये अस्पताल का अल्ट्रासाउंड बंद है, काहे बंद है, इसके पीछे कौन कौन पदाधिकारी है उसका जांच करवाइए, उसकी कार्रवाई करिए, उसको जेल भेजने का काम करिए, नहीं तो नवयुवक सेना का प्रदर्शन जारी रहेगा और हम लोग विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।